गुलबर्गा शहर के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से 16 और 17 फरवरी दो दिन के लिए साइंस एंड कल्चर स्किल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी काबिलियत को उभारते हुए खूबसूरत मॉडल्स तैयार कर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन इंजीनियर तनवीर हाशमी साहब के हाथों किया गया है और इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन जनाब इंजीनियर काजी अब्दुल मुहीद साहब के साथ तमाम स्कूल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मौजूद थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी काबिलियत से इन मॉडल्स को तैयार कर अपने मॉडल्स की तमाम डिटेल एक्सप्लेन करते नज़र आए हैं। स्कूल के चेयरमैन जनाब काजी अब्दुल मुहीद साहब हर साल स्कूल में इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को बेहतर बनाया जा सके। इस एग्जीबिशन के जरिए स्कूल मैनेजमेंट चीफ गेस्ट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने गुलबर्गा हेडलाइंस से बात करते हुए इस एग्जीबिशन की खसूसियत, स्कूल के मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स की मेहनत के बारे में बात करते हुए तफसीलात बताई है। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गंज रोड अविनाश पेट्रोल पंप के अपोजिट मौजूद है। It is a mass of the advertisement of the sports news. It is a mobile tower. It is also known as cell sites. It is without electric equipment. This is a rail transport. It conveys people from one place to another place and also goods. This is a road transport. It is from ancient time. It is a transport. Without road, we can't survive. This is a bullock cart. From the farmers use this to surveil the oxen. This is the water transport from the ancient time to now. It controls the water and this transports the people. This is the BSNL. This is the MTNL. Bharat Sanchar Nigam Limited. It is set up on September 15, 2000. It is a government-owned service provider. It provides a mobile-wise internet to the nationwide. It is the MTNL Mahanagar Telephone Nigam Limited. Aircraft is a vehicle that transports through the air. In 1903, the Wright brothers flew the flare, the first successful aeroplane, Kalburgi aeroplane. Kalburgi aeroplane, it is public aeroplane located 12 km east Kalburgi in Karnataka. Kalburgi aeroplane ready on operation India, United News India 23 August 2019. Satellite is a moon planet or machine. It orbits the planet or star. For example, Earth is a satellite because it orbits the sun. Thank you. मैंने ये मॉडल तैयार किया और मेरे कुछ साथियों ने भी मॉडल तैयार किया है। हमारे टीचर्स, हमारे सर ने हमको ये मौका दिया है हमारी ये काबिलियत बताने का, और मैं उनका बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करता हूँ। There was a science center in international public school which I have attended. I have seen all the exhibitions. It was very good, awesome. Many children have very much, they have interacted very well and appreciated how their work. They have taken lots of efforts to make this exhibition to a great grand success, and I am very grateful that this student, the school has given a great opportunity to the students to create such an activities. हम यहाँ पे जमा हुए हैं सारे स्टूडेंट के साथ, हम पेरेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो मॉडल बनाए हैं बच्चे, बहुत अच्छा बनाए हैं, बच्चों को एक्सपेरिमेंट अच्छा हो रहा है, देखने के लिए आए हैं। और जो छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देख के, स्टडिंग करके उन्होंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। वहाँ पे एक मैंने देखा छोटी लड़की, उसने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया। बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है स्कूल में बच्चों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ऐसे ही चलते रहे। आज ये एग्जीबिशन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ओपन हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आने से पहले एक्सपेक्ट कर रहा था तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट्स ने अपने मॉडल्स बनाए हैं, देखकर बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे एग्जीबिशन जो स्कूल में आमतौर पे एग्जिबिट करते हैं, तो कई इसके फ़ायदे हैं। एक तो स्टूडेंट्स में जो हिडन टैलेंट होता है, वो टैलेंट को प्रोजेक्ट करने का एग्जीबिशन जो एक ज़रिया बनते हैं, और टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसके ज़रिए से एक इंटरेक्शन होता है,
और आपस में स्टूडेंट्स में टीम वर्क का जो ये है नेचर है वो डेवलप होता है, तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं। और कई सोशल कॉजेस होते हैं, वो सोशल कॉजेस को जो है हाईलाइट करते हैं, तो मुख्तलिफ अंदाज में बच्चों ने बड़े अच्छे थीम्स के तहत जो है मॉडल्स के ज़रिए से एक मैसेज जो है अवाम को देने की कोशिश की है। तो स्कूल के मैनेजमेंट हैं और फिर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अप्रिशिएबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एक साइंस और स्किल एग्जीबिशन देख के बड़ी खुशी हुई। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि इस एग्जीबिशन का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारे जो हिडन टैलेंट्स होते हैं, जो हिडन टैलेंट को एग्जीबिट करना। दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत सारी चीज़ें द स्टूडेंट्स हैज़ टू बी लर्न फ्रॉम देयर मॉडल्स एंड दे हैव टू गेट द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स विच दे हैव टू डेवलप इट। और साथ ही साथ वो बच्चों के अंदर ये खसूसियत भी पैदा हो जाए कि वो कोई चीज़ को अपनी तरफ से सोचने, डेवलप करने और उसको एग्जिबिट करने की सलाहियत हो जाए। और क्या है, बच्चों के अंदर करेज भी हो, बच्चे इंस्पायर्ड भी हो जाएं, बच्चे ये देखें कि इस तरह से एग्जिबिट करने से उनके अंदर एक किस्म का शौक़ पैदा होता है। क्योंकि मुझे भी बचपन का एक अपना किस्सा याद आता है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, हमारे एग्जिबिशन में मैंने पिन होल कैमरा बनाया था। पिन होल कैमरे के जरिए से जो फ्लेम होता है वो उल्टा दिखता है, तो उसे आज तक मुझे याद है। तो इस तरह से बच्चे जो अपने फ्यूचर लाइफ में जब जाएंगे तो इस चीज़ों को फर्दर डेवलप करने और उनको एग्जिबिट करने और बहुत सारी चीज़ें लर्न सीखने का उनको एक मौका दिया जाता है। और उसके अंदर बच्चों के अंदर अपनी एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप होती है जो हर चीज़ को ग्रास्प करने और आगे बढ़ने का शौक पैदा होता है।